जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मूना पांडे के गांव मोहम्मद कुलीपुर में एक गरीब विक्रम सिंह का परिवार प्रधानमंत्री आवास में 25 सालों से अपने बच्चों के साथ तिरपाल डालकर रह रहा था। आपको बता दें कि गरीब परिवारों को रहने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब आवास मुहैया कराए गए हैं, जिससे गरीब परिवार अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसके बावजूद यहां एक तरफ भारत सरकार गरीबों को आवास मुहैया करा रही है, तो वही जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मूना पांडे के गांव मोहम्मद कुलीपुर उर्फ नगला में तैयार किया गया प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया गया, यह कहकर कि आप इसके योग्य नहीं है। जबकि हकीकत तो यह है कि विक्रम सिंह और महेंद्र सिंह का परिवार बेहद ही गरीब है। विक्रम सिंह के पास ना तो सर छुपाने के लिए खुद का कोई घर है और ना ही जमीन, जिस जमीन पर उसने प्रधानमंत्री आवास बनाया था वहां पर वह त्रिपाल डालकर पिछले 25 सालों से रह रहा था। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि विक्रम सिंह और महेंद्र सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है। विक्रम सिंह पहले से ही बेहद गरीब है। विक्रम सिंह के पास ना ही जमीन है और ना ही सर छुपाने के लिए छत्र, प्रधानमंत्री आवास पर ही छुपाने के लिए एकमात्र सहारा था। वह भी लेखपाल पद्म सिंह की मिली भगत से जेबीसी मशीन द्वारा तोड़वा दिया गया। इन परिस्थितियों में अगर विक्रम सिंह को इंसाफ नहीं मिला तो हम सभी पिछड़े समाज के लोग गाँव छोड़ने के लिए बेबस हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार आला अधिकारी होंगे। क्यों तोड़ा गया है सर? इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और हमने कई बार अधिकारियों से, लेखपाल से इसके संबंध में जानकारी ली जी, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या लेखपाल इस विषय में जानकारी देना तैयार नहीं है। इस संबंध में मकान तोड़ा गया है और ये मकान इन दोनों गरीबों को तोड़े गए हैं, ये इनके साथ जास्ती अत्याचार किया गया है। सर अगर इसी तरह अत्याचार होता रहा हमारे दलित समाज पर तो इस ग्राम पंचायत सलेमपुर के ग्राम मोहम्मदपुर उर्फ नगला में हम दलित समाज के 20 घर हैं। अच्छा, अगर इनके साथ अन्याय होगा और न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम सारे समाज के लोग पलायन करने को मजबूर होंगे और ये गांव छोड़ देंगे और सर ये पलायन कर लेंगे। सर जैसे कि आपने पलायन की बात की है जी, तो आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है? सर बिल्कुल अत्याचार हो रहा है सर, कोई नोटिस नहीं। चौमासे में बारिश के समय में सर मकान तोड़ दिया गया, इन लोगों के लिए मकान रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे बेचारे सड़क पर गिर रहे हैं, गाँव में कोई ऐसी गाँव वालों चंदे खर्चा करके पनीर डलवाई है। ये निहत्ते गरीब आदमी बेचारे बेहद गरीब आदमी है और इनके साथ जस्ती की लेखपाल द्वारा, लेखपाल ने पूर्व में कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे ये लोग अपना सामान, इनका सामान भी जब ध्वस्त हो गया, इनका सामान सब नष्ट हो गया, सामान भी सारा नष्ट हो गया इसी में दबकर। अच्छा, जिस समय ये तोड़े गए थे इनके आवाज, आपका नाम? महेंद्र सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत के रहने वाले? सलेमपुर नंगला। आपका ही मकान तोड़ा गया है? क्यों तोड़ा आपका मकान? हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, बिना सूचना के तोड़ दिया गया? कोई सूचना नहीं दी। सर जैसे कि यहाँ देखा गया है आपका मकान है और भी मकान यहाँ बने हैं और कहा भी गया है अधिकारियों द्वारा, आपने बताया है कि ये ग्राम समाज की जगह बताई गई है, तो आप ही का मकान क्यों तोड़ा गया है? ये नहीं पता जी, ये तो लेखपाल साहब को पता है। लेखिए आपका नाम? हरपाल सिंह। कौन से ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? थाना मुंडा पांडे। ब्लॉक मुंडा पांडे। मुंडा पांडा। और जिला कौन सा पड़ता है? भैया यहाँ आप 20-25 परिवार एकत्रित हो, हाँ। मामला क्या है? मामला सब ये है कि गरीब आदमी है जी, वो परेशान ज्यादा, गांव वालों के भी परेशानी है, उसकी औरत विकलांग है। अच्छा, कभी रहने तक जगह नहीं, इसके पास बीमारी में मतलब पैसा लगा दिया जी। कोई हिसाब नहीं, हिला नहीं कुछ भी। अच्छा, गाँव वाले के भी तू यहीं रहे। अच्छा, हम करेंगे। अच्छा। प्रधान ने कॉलोनी दी, सरकारी आवास दिया जी, एक साल पहले। अच्छा, वो तैयार होकर बन गया। ठीक सर, अब किसी ने कोई वजह से पटवारी ने जो भी कान सरकारी वो आन के और जेसीबी से तोड़ दिया है। अच्छा, तोड़ दिया आपका? जिस समय तोड़ा था आपको कोई सूचना दी? ना, कोई सूचना नहीं मिली हमें, कोई सूचना नहीं मिली थी, कोई संबंध या कोई नोटिस कुछ नहीं आया। अच्छा, लेखपाल ने इस विषय में आपसे कोई जानकारी नहीं? ना, ना, ना। किसी तरह की कोई जानकारी नहीं? अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है? विक्रम सिंह। इन्हीं के नाम से आवाज था? हाँ, इनके नाम से आवाज था। अच्छा सर, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? 25 साल से यहीं। अच्छा, जैसे कि यहाँ कॉलोनी में जितने भी परिवार बसे हैं और भी यहाँ लोग हैं, भी लोग हैं तो उसी जगह में जी, इन्हीं का मकान क्यों तोड़ा गया है? अब ये तो साहब वो ही बता सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें क्या वजह है क्या नहीं वजह। अच्छा, अभी तक कोई वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है? कोई वजह स्पष्ट? जैसे कि देखा जाता है कि इनकी माली हालत क्या पहले से ही खराब थी? पहले से खराब थी। जमीन है इनके पास? जमीन भी नहीं है, सिर्फ यही एक जरिया था जो खाने। अच्छा, जहाँ पे ये रहते हैं यही है जो कुछ, यही सब कुछ है, यही है, तो इसी में गुजर बसर भी होती है।
जब ये मकान बनाया गया, आवास बनाया गया, तो उस समय लेखपाल ने कुछ कहा आपसे कि ये विवादित जगह है, आप इस यहाँ आवास मत बनाओ? कोई सूचना, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था ना। आपने बना के तैयार कर दिया, फिर आप इस पे लिंटर डालने वाले थे? तैयार कर लिंटर के साथ। अच्छा, उसके बावजूद, लिंटर डालने के बावजूद भी आपको किसी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपका मकान आके तोड़ दिया? अच्छा, यहाँ कितने परिवार ऐसे रहते हैं इसी जमीन में, जो इस जमीन को मतलब अपने आवास बना के रह रहे हैं? कितने लोग होंगे यहाँ? 25-30 आदमी है। 25-30 परिवार इसी जगह पर रहते हैं। इनको आवास दिया गया था क्या? उस समय कोई आवास के लिए पैसे लिए गए थे? लिए था 20,000 रुपए। किसने लिए थे? प्रधान ने। प्रधान ने किसको देने के लिए? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी को देने के लिए? तो क्या सेक्रेटरी ने उस समय नहीं बताया था आपसे कि ये विवादित जगह है, आप इस पर मकान ना बनाओ? नहीं, कोई नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। जैसे कि अब आप कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं इस संबंध में? एडीएम से, एडीएम साहब से, सबसे मिल रहे हैं। सभी से मिल रहे हैं? क्या कहा है सभी लोग? किसी ने कुछ किया जाएगा, मैसेज आ जाएगा हमारे मोबाइल पे और के तुम मतलब तुम्हें जगह दी जाएगी या वहीं तुम्हारा पट्टा काट दिया जाएगा। अच्छा, आगे मतलब जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा पट्टा वहीं काट दो जहाँ तुम रह रहे हो। लेकिन अब ये जो मकान तोड़ा है, इसका हर्जाना कौन देगा? ये सवाल किया आपने? अच्छा, ये नहीं मिलेगा? टूट गया। एक सवाल उठता है, जैसे कि यहाँ सिर्फ आप ही का मकान नहीं है, यहाँ और भी लोग रह रहते हैं, तो आप ही का मकान क्यों तोड़ा गया है? अभी तो साहब वो ही बता सकते हैं क्यों तोड़ा। ये किसी की आप साजिश कह सकते हैं? यहाँ गांव में किसी की किसी तरह की कोई किसी साजिश के तहत तोड़ा गया हो? पूरा गांव मदद करता है इनकी, पूरा गांव मदद कर रहा है, किसी से नहीं है। सहायता करने वाला सहायता करके सर, ये पिछले जब आवास नहीं मिला था जी, तब भी गांव वालों ने इकट्ठा करके चंदा बूंदा और इनके लिए 2-3 हजार ईंटें मंगा करके पीले सीधा की, तब इनकी झोपड़ी लगवाई थी। अच्छा, बच्चों के लिए रहने की जगह नहीं थी जी, तो गांव की इनसे क्या नहीं सोचती हो सकती जी। इसमें आप तो वही अधिकारी लोग बता सकते हैं कि इसमें किसका हाथ है। अच्छा, ये सारा जो खेल हुआ अधिकारियों की मिली भगत से ही हुआ है।